ई फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज मैं डिवाइन मास्कुलाइंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ और पेन जो फेमिनाइंस को होता है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब डिवाइन मास्कुलाइन फेमिनाइन को छोड़ के जाता है तो वो जो छोड़ के जाने का शौक फेमिनाइन को लगता है और वो जो पेन फेमिनाइन को फील होता है वो बहुत इंटेंस पेन होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं दे आर मेंट टू बी विद ईच अदर। तो अगर आपका ट्विन आपको छोड़ के गया है तो मैं आपका पेन समझ सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन से निकले होंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एज अ मैस्कुलाइन मैंने काफ़ी कुछ देखा है और मुझे लेटली ये भी समझ आया है कि मैं एक टाइम पे अपनी ट्विन से भागी हूँ और उसके पीछे का रीज़न था कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मेरे लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा रहा है, मैं अपनी फ्रीडम लूज़ कर रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैस्कुलाइंस भागते हैं और वो आपसे रन करते हैं उनके पीछे का रीज़न यही होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई उनकी लाइफ में आ सकती है या आ सकता है जो भी जेंडर है। तो जब मैं अपनी ट्विन से भागी थी उसके बाद बहुत इंटेंस पेन हुआ था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑलरेडी मेरी जो ट्विन है वो अवेकेंड है और मुझे ये 3 साल लगे अवेकन होने में, क्योंकि वो पेन इतना इंटेंस था सेपरेशन के बिना, उसके अपने ट्विन के बिना, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इवॉल्व होने के अलावा। और मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं पास्ट में, बट उन गलतियों को चेंज करने का तरीका क्या है कि मैं वो सब पैटर्न्स दोबारा रिपीट ना करूं, जहां मैं अपनी फेमिनाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई किसी टाइम पे, उसको शायद प्रोटेक्ट करना चाहिए था मुझे सराउंडिंग से और बाहरी दुनिया से, मैं उसको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। तो अब मैं उसको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ कि उसका कोई फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए कोई कुछ गलत ना बोले। सेकंड जो प्रॉब्लम थी हमारे बीच में, मेरी सराउंडिंग्स थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स टॉक्सिक थे, शायद उसको दिखता था। जैसे हमें पता है हमारे ट्विन्स हमारी लाइफ में सब देख लेते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी टॉक्सिक थे, तो उसको पता था मेरे फ्रेंड्स आसपास की सराउंडिंग में जो हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हैं और वो मेरे को इवॉल्व होने में हेल्प नहीं करेंगे। तभी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो हमेशा ये बोलती थी कि अपने फ्रेंड सराउंडिंग्स चेंज करो, इसको इम्प्रूव करो और इन लोगों को छोड़ दो। बट तब नहीं समझ आया जब वो छोड़ के गई लाइफ से चली गई और उन्हीं लोगों में मुझे टॉक्सिसिटी दिखती थी, तो मुझे समझ आया कि वाकई में मेरी ट्विन सही बोलती थी कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने भी बोली हैं और वो सही निकली हैं उसकी लाइफ में, क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ का देख सकते हैं इजीली कि क्या है। और थर्ड चीज़ थी बाहर खुल के ना आना कि आई लव अ गर्ल। आपको पता है कि ये सोसाइटी कैसी है कि आपको करेज चाहिए बाहर आने के लिए। और आज जब उसकी सर्जरी हो रही है इस टाइम पे, तो मुझे रियलाइजेशन हुई है कि वो किस तरह हमेशा कोशिश करती रहती है कि मेरी लाइफ इम्प्रूव हो जाए। और मैस्कुलाइन को एक फेमिनाइन हमेशा ही चाहती है कि मैस्कुलाइन उसको सपोर्ट करे,
और मैस्कुलाइन वही लैक करता है कि फेमिनाइन को वो एक सपोर्ट नहीं दे पाता, फेमिनाइन को ट्रू ट्विन फ्लेम को कुछ नहीं चाहिए, फेमिनाइन को उसको सिर्फ ये चाहिए कि अपनी लाइफ मैस्कुलाइन इम्प्रूव करे, और फेमिनाइन फेमिनाइन से मैस्कुलाइन को ये चाहिए कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट मैस्कुलाइन को दे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ऐसा एनवायरनमेंट मैस्कुलाइन को दे जहाँ पे वो ग्रो हो पाए और ओपननेस और ओपन कम्युनिकेशन करे फेमिनाइन मैस्कुलाइन के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होता है ट्रुथ बोले। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग तभी होता है जब मेरी ट्विन मुझे सच बोलती है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी मदर की डेथ मैंने आप लोगों को बताया बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरी लाइफ में कोई था नहीं जिसने वाकई में मेरे को सत्य बोलना सिखाया, तो कहीं ना कहीं आज जब मेरी ट्विन ऐसी स्टेज पे है जहाँ उसकी सर्जरी हो रही है एंड वी डोंट नो कि क्या होगा आगे, बट मैं उसको देखकर भी बहुत मोटिवेट होती हूँ कि वो सब फेसेस से लाइफ के निकल रही है इतना कुछ देखने के बाद, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऑफकोर्स मैस्कुलाइन भी झेलते हैं कि उनके लाइफ में जो सराउंडिंग में लोग होते हैं जिस तरह के होते हैं, अगर मैस्कुलाइन कोई एफर्ट नहीं डाल रहा उसको इम्प्रूव करने के लिए तो उसकी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स पड़ती जाएंगी। मैस्कुलाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी एडिक्शंस भी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, किसी तरह की भी कोई एडिक्शन हो सकती है, तो मैस्कुलाइन्स को वो इम्प्रूव करना होगा, और सेक्स लस्ट एक मैस्कुलाइन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनको इम्प्रूव करना होगा, और इम्प्रूव करके ही फेमिनाइन्स अपने स्पेस में उनको आने देगी, क्योंकि फेमिनाइन जब इस जर्नी में जागती है तो उसकी कॉन्शियसनेस हाई होती है। और हमेशा से मैंने यही भूल करी, जब तक मेरी अपनी ट्विन से बात नहीं हुई मुझे यही लगता रहा कि वो इस जर्नी को लेकर कॉन्शियस नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता हम ट्विन फ्लेम्स हैं, शायद मैं अपने माइंड में अज्यूम कर रही हूँ कि उसको पता है, बट हर बार जब वो कुछ ऐसा बताती है जो कि शॉकिंग होता है मेरे लिए मेरे बारे में, तो मुझे पता लगता है कि नहीं इसको सब पता है, ये अवेयर है सब चीज़ों को लेकर, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बोलना। और अगर आप आपस में कम्युनिकेशन ओपन रखोगे एक दूसरे साथ और वल्नरेबिलिटी रखोगे उसमें, वल्नरेबल एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगे ओपननेस नहीं होगी एक दूसरे के लिए, नहीं सेपरेशन में उस हार्ट चक्र का, क्योंकि सेपरेशन होता है हार्ट चक्र का पेन इतना बड़ा होता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट कर सकता है, डिजीजेस कर सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ट्विन्स का सेपरेट होना कोई मजाक नहीं है, लोगों को लगता है मजाक है बट ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि ट्विन आप सोचो कि पूरी दुनिया में एक वुंडेड की तरह घूम रहा है, तो आपका ट्विन को आप समझने की कोशिश करो और अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, जहाँ पे जहाँ जिस स्टेज पे भी आप होगे कॉन्शियसनेस के, आपका ट्विन वहाँ पे आके आपको मिलेगा, कि आपकी 10 दिन बाद बात हो, 1 महीने बाद बात हो, 6 महीने बाद बात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस रखो और जो आपकी टॉक्सिसिटी है अंदर की और जो आपका नेचर है उसको इवॉल्व होने में और ज़्यादा हेल्प करो खुद को, क्योंकि गॉड विल हेल्प यू व्हेन यू विल हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू गाइस।